जो अभी जितने भी नंबर आए हैं, चाहे वो बीओबी हो, देना बैंक हो, अलाहाबाद बैंक हो, सभी में कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक ही है। अगर आप पहले घाटे से शुरुआत करते हैं, हम देखिए Q4 था काफ़ी क्रिटिकल माना जा रहा, तो Q4 में बैंकों ने घाटा पोस्ट किया है। सबसे पहले और सबसे बड़ा घाटा कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आया, जिन्होंने करीब 3,230 करोड़ का घाटा Q4 में पोस्ट किया। वहीं दूसरी ओर देना बैंक ने भी 326 करोड़, तो अलाहाबाद बैंक ने 581 करोड़ का घाटा पोस्ट किया। यूको बैंक काफ़ी छोटा बैंक है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बारी 1700 करोड़ का घाटा बैंक पोस्ट कर दिया। इकलौता बैंक यूनियन बैंक, देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, यूनियन बैंक इकलौता ऐसा बैंक है जिसने मुनाफा पोस्ट किया करीब 96 करोड़ का, लेकिन ये भी असली इमेज नहीं है। देखिए यूनियन बैंक को इस बारी टैक्स क्रेडिट मिला है, उसकी वजह से घाटा है, अदरवाइज ये भी करीब 190 करोड़ का घाटा पोस्ट करते हुए दिखता है अगर वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिला होता। अब दूसरा अहम आंकड़ा होता है वो था प्रोविजनिंग का। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रोविजनिंग कंपेयर करें, सभी 6 के 6 बैंकों की प्रोविजनिंग बेहद ज़्यादा रही है। एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा 6,160 करोड़ से बढ़कर इस बारी प्रोविजनिंग 6,800 करोड़ के पार जाते हुए दिखी। वहीं देना बैंक के केस में 967 करोड़ से प्रोविजनिंग जरूर घट के 900 करोड़ रही, लेकिन आप YOY कंपेयर करें तो करीब 50-60 करोड़ के बेस से जो पिछले साल इस क्वार्टर में बैंक ने किया था, उसके कंपैरिजन में इस बारी क्वार्ट्रुपल बढ़ती हुई दिखी प्रोविजनिंग YOY बेसिस पे। वहीं दूसरी अलाहाबाद बैंक 1200 करोड़ की प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर में की थी, इस बारी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, 2480 करोड़ से ज़्यादा की प्रोविजनिंग रही। यूको बैंक के केस में 2160 करोड़ से बढ़कर इस बारी करीब 2344 करोड़, यानी फ्लैटिश नोट पे, लेकिन हैवी प्रोविजनिंग अभी भी। देखिए जब भी आप मुनाफे या घाटे को कंपेयर करते हैं तो आप YOY करते हैं, लेकिन प्रोविजनिंग का जो आंकड़ा है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए जो YOY बेस है प्रोविजनिंग का वो बहुत छोटा था, उसके कंपैरिजन में इस बार ये हैवी प्रोविजनिंग बैंकों ने की, और वो चीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट की उनके ग्रॉस NPAs पे भी। देखिए स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोविजनिंग बढ़ाई जा रही है। ग्रॉस NPA अगर आप देखें तो मोरलेस सभी बैंक 10%, मुझे लगता है 10% कौन तोड़ेगा उसकी दौड़ जारी है। एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा 10.99% के ग्रॉस NPAs, वहीं देना बैंक 10.98, अलाहाबाद बैंक 10.76, और 10% का आंकड़ा क्रॉस किया यूको बैंक ने और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ने। यूको बैंक 10.98, तो वहीं सेंट्रल बैंक ने 11.95 के ग्रॉस NPAs। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस समय, बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, स्लिपेजेस बढ़ती जा रही है, बिल्कुल अंचल माउंटिंग बैड लोन अभी भी पूरे ही स्पेस के लिए कंसर्न बना। बहुत संक्षेप में जो अब तक के नतीजे आए हैं उनके बाद जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी राय में कुछ बदलाव हुआ है या फिर वो अभी भी दूर रहने की सलाह दे रहे हैं इन सरकारी बैंकों से? दीपाली बदला हुआ है, लेकिन सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हुआ है, बाकी सभी बैंकों से अभी दूर रहने की राय। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 बड़े ब्रोकर्स ने अपने राय दी, सिटी, क्रेडिट स्विस, CLSA। एक तरफ क्रेडिट स्विस और CLSA मानता है कि अभी भी खरीदारी का मौका है, हर गिरावट में खरीदारी करें, उनका आना 3 क्वार्टर से काफ़ी हाई प्रोविजनिंग कर चुके हैं और अब यहां से एक टर्न अराउंड दिख सकता है। वहीं क्रेडिट स्विस का मानना है उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, अभी भी वेट एंड वॉच की स्टेट में क्रेडिट स्विस बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में। लेकिन हाँ, यूनियन बैंक की जहाँ तक बात रही तो साफ तौर पर CLSA और HSBC दोनों ने ही एक मत होकर अपनी रिपोर्ट जारी की कि बिकवाली करी है, बेहद स्ट्रेस्ड है, बेहद ज़्यादा खराबी है नंबर्स के अंदर और आगे चल के और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा।